जुगल किशोर मंदिर में आकर आज जन्माष्टमी के अवसर पर, कल जन्माष्टमी है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पन्ना का जुगल किशोर मंदिर एक तरह से वृंदावन की तरह है। मैं अपने आराध्य के इस मंदिर में आकर के अत्यंत आनंद और भगवान की भक्ति में डूबे हुए माहौल में सम्मिलित हुआ। मेरी अपनी ओर से पन्ना जिले के विकास को लेकर के सभी कामों को प्राथमिकता से हमारी सरकार करेगी। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद भी है, यहाँ के विधायक हमारे अब ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी और सारे मित्रों के साथ पूरे बुंदेलखंड के अंदर विकास के सारे मामलों को प्राथमिकता से चलेंगे। अभी तो जन्माष्टमी की सबको बधाई। जुगल किशोर मंदिर में आकर आज जन्माष्टमी के अवसर पर, कल जन्माष्टमी है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पन्ना का जुगल किशोर मंदिर एक तरह से वृंदावन की तरह है। मैं अपने आराध्य के इस मंदिर में आकर के अत्यंत आनंद और भगवान की भक्ति में डूबे हुए माहौल में सम्मिलित हुआ। मेरी अपनी ओर से पन्ना जिले के विकास को लेकर के सभी कामों को प्राथमिकता से हमारी सरकार करेगी। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद भी है, यहाँ के विधायक हमारे अब ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी और सारे मित्रों के साथ पूरे बुंदेलखंड के अंदर विकास के सारे मामलों को प्राथमिकता से चलेंगे। अभी तो जन्माष्टमी की सबको बधाई। जुगल किशोर मंदिर में आकर आज जन्माष्टमी के अवसर पर, कल जन्माष्टमी है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पन्ना का जुगल किशोर मंदिर एक तरह से वृंदावन की तरह है। मैं अपने आराध्य के इस मंदिर में आकर के अत्यंत आनंद और भगवान की भक्ति में डूबे हुए माहौल में सम्मिलित हुआ। मेरी अपनी ओर से पन्ना जिले के विकास को लेकर के सभी कामों को प्राथमिकता से हमारी सरकार करेगी। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद भी है, यहाँ के विधायक हमारे अब ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी और सारे मित्रों के साथ पूरे बुंदेलखंड के अंदर विकास के सारे मामलों को प्राथमिकता से चलेंगे। अभी तो जन्माष्टमी की सबको बधाई।